भुजंग साय विद्महे सर्प राजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। हम सब पृथ्वी लोक के निवासी है, जहाँ मनुष्य की दुनिया आबाद है, लेकिन शास्त्रों और पुराणों में इसके अलावा भी कई लोक बताए गए हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह की प्राणी निवास करते हैं। ऐसा ही एक लोक है, नागलोक। माना जाता है कि धरती के नीचे पाताल में नागों की अपनी अलग दुनिया है, जहाँ सर्पराज वासुकी के शासन में दुनिया के समस्त नाग और अलग अलग तरह के सर्प निवास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नागलोक का रास्ता हमारे देश से होकर जाता है, यानी कि किस्से कहानियों वाले नागलोक के बारे में आप करीब से जान भी सकते हैं और इसे देख भी सकते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में धनी पहाड़ के बीच एक ऐसा दैवीय स्थान है जिसे नागलोक का मार्ग या नागद्वार के नाम से जाना जाता है। पंचमढ़ी के घने जंगलों के बीच ये रहस्यमय रास्ता सीधा नागलोक को जाता है। इस दरवाजे तक पहुंचने के लिए खतरनाक 7 पहाड़ों की चढ़ाई चढ़नी होती है, साथ बारिश में भीगे फिसलने भरे घने जंगलों की खाक छाननी पड़ती है। इतनी मेहनत के बाद ही नागलोक की मुहाने पर पहुंचता जाता है। इसके लिए 16 किलोमीटर की पैदल पहाड़ी यात्रा पूरी करनी होती है, जिसमें 2 से 3 दिन लगते हैं। नागद्वारी मंदिर की गुफा करीब 35 फीट लंबी है। मान्यता है कि जो लोग नागद्वार जाते हैं उनकी मांगी हुई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। नागद्वारी की कठिन यात्रा बारिश के महीने सावन में होती है। नागपंचमी से 10 दिन पहले ही ये मेला शुरू हो जाता है। इस दौरान मेले में शामिल होने के लिए आसपास के राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं, नागदेव की पूजा करते हैं और उनको दूध भी चढ़ाते हैं। जिस जगह पर नागद्वारी स्थान मौजूद है वो एरिया सातपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है, इसीलिए इसे साल में बस एक ही दिन खोला जाता है। गद्वारी के अंदर चिंतामणि की गुफा है, जो कि करीब 100 फीट लंबी है। इस विशाल गुफा नागदेव की कई मूर्तियां विराजमान है, जिनके दर्शन भक्त करते हैं। मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, अगर वो इस जगह आकर नाग देवता की पूजा करें तो वो दोष दूर हो जाता है। इस यात्रा के दौरान लोगों को काफ़ी सारे सांप भी मिलते हैं, हालांकि ये सांप लोगों को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाते हैं। कहा जाता है कि नागलोक द्वार के पास ही स्वर्ग द्वार भी मौजूद है। इस प्रकार की रोमांचक कहानियाँ हम उदय इंडिया पर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करके दूसरों तक पहुँचाएं। ओम नागेश्वराय नमः।